तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी की एक हिडन सेटिंग बताने वाला हूँ, जो कि आपको वाईफाई वाले सेक्शन में जाकर मिलती है। क्या ये हिडन सेटिंग है और कैसे ये वर्क करती है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ एक हिडन सेटिंग जो कि आपको मिलेगी वाईफाई के अंदर। तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ जाना है आपको कनेक्शन पे, कनेक्शन में जाने के बाद आपको वाईफाई पे, और यहाँ जाना है थ्री डॉट्स पे और इंटेलिजेंट वाईफाई पे। ये फीचर आपको मिलता है सैमसंग गैलेक्सी के वन यूआई 5.0 आने के बाद। इंटेलिजेंट वाईफाई मतलब कि आप समझ सकते हैं नाम से, तो ये बहुत ही अच्छा काम का फीचर है। यहाँ पर सबसे पहले एक फीचर दिया गया है जो कि है स्विच टू मोबाइल डाटा, मतलब कि यूज मोबाइल डाटा व्हेन एवर योर वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन इज स्लो और अनस्टेबल। कि मान लो अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं और वहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी सही नहीं आ रही या नेट नहीं चल रहा है, तो ऑटोमेटिक वो मोबाइल डाटा पे कन्वर्ट हो जाए। तो उसलिए ये वाला फीचर दिया गया, आप उसको ऑन कर सकते हैं। और चाहें तो यहाँ पर एक और ऑप्शन कर दीजिए, अलाउ ऑल, कि जितनी भी ऐप मैं चाहता हूँ उन सब पे मोबाइल डाटा से नेट चालू हो जाए जब वाईफाई पुअर कंडीशन पे हो, तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद दिया है स्विच टू बेटर वाईफाई नेटवर्क। मान लो अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहां पर आपके पास 3-4 वाईफाई कनेक्शन है या 3-4 वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है और जिनको आप यूज भी करते हैं, अब वहां पर क्या होगा, ये इसमें एक ऑप्शन दिया है ऑटो स्विच का। मतलब कि मान लो आपने किसी एक नेटवर्क पे कनेक्ट कर रखा है और उसकी स्पीड सही नहीं आ रही है, तो ये ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट करेगा और जो फास्टेस्ट स्पीड दे रहा होगा उसको आपको ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यह वाला फीचर इसलिए काम करता है, तो आपको इसको भी ऑन करके रखना चाहिए। उसके नीचे दिया है टर्न ऑफ करके, ये बड़ा शानदार फीचर। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर इन प्लेस यू यूज इस फ्रिक्वेंटली एंड टर्न ऑफ इट एल्सवेयर। मतलब कि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, मान लो आपने, मैं अपने घर पे हूँ, मैंने वाईफाई कनेक्टिविटी यूज कर रखी है और उसके बाद मैं घर से आगे जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वाईफाई ऑफ हो जाएगा। आपको बार बार उसको ऑफ नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर देगा। तो ये वाला फीचर इसलिए दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर दिया है शो नेटवर्क क्वालिटी इन्फो। तो यहाँ पर क्या है, जब भी आप इसको मतलब जब भी आप वाईफाई कनेक्ट करना चाहेंगे, जो आपको लिस्ट आती है, लिस्ट के साइड में जो नेटवर्क की रेंज दिखती है, तो उसलिए ये वाला काम करता है। वहाँ क्वालिटी आपको बताएगा कि कितनी क्वालिटी आपके पास नेट की आ रही है, तो ये वाला फीचर इसलिए, तो उसको भी इनेबल करके रखना चाहिए। उसके बाद नीचे दिया गया है डिटेक्टेड सस्पिशियस नेटवर्क। मतलब कि अगर आप कोई ऐसे वाईफाई नेटवर्क कनेक्टेड है जिसमें कोई भी कॉज या कोई भी ऐसा कुछ थर्ड पार्टी, या बोल सकते हैं ना कि कुछ स्कैम हो या फिर कुछ आपके साथ गलत हो सकता है या कहीं कनेक्टेड है, तो आपको बता देगा कि ये नेटवर्क आपके लिए सही नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो आप इसको यूज ना करें। तो उसका ये वाला फीचर काम करता है, तो उसको भी इनेबल करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में दिया है ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन। ये क्या फीचर है, चूज व्हेन कनेक्टेड एन ऑटो हॉटस्पॉट डिवाइस इफ यूर फोन डज नॉट हैव इंटरनेट कनेक्शन, दिस ओनली वर्क इफ वाईफाई इज ऑन और देयर आर ऑटो हॉटस्पॉट डिवाइस नियर यू डेट यू आर अलाउड टू यूज। यहाँ पर क्या होगा, आपको इसको अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद क्या होगा, आजू बाजू जब भी आपके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये ऑटोमेटिक खुद ही सर्च मारेगा, जिसने ऑटो हॉटस्पॉट कनेक्शन को ऑन करके रखा होगा अपने मोबाइल पे, उनका नेट ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा ऑटो, और आप वहां पर उसका कनेक्ट कर पाएंगे। तो उस तरीके से वाला फीचर कुछ काम करता है। बाकी कंफर्म मैं अभी तक इसको यूज नहीं करा तो आपको बता नहीं पाऊंगा, बट मेनली जैसे आपसे नरेशन दिखा है उस तरीके से ये काम करके बताने वाला है। तो यही था इंटेलिजेंट वाईफाई का फीचर जो कि मैंने आपको बताया, इंटेलिजेंट वाईफाई सेटिंग। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है मेरी कुछ कमी है तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ऐड चैनल करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों।